Example number 8.3. Usha swims in 90 meter long pool. तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो बेटर है पैरेलल में लिखते भी चले जाओ, मतलब डायग्राम बनाते जाओ. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. Usha swims in a 90 meter pool. तो ये 90 meter pool, right? क्या कर रही है? स्विम कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same state path. Means state path में उसने ऐसे करके इधर गई और फिर इधर जाके उसने अपना क्या direction change की and then she came back. The total distance क्या travel किया? यहाँ गए 90 meter और फिर 90 meter. That is why she covered 180 meters. Okay? अब आपसे question ये है, find the average speed. Average speed बताओ उसकी और average velocity बताओ. जब स्पीड बताना होगा तो आपको क्या निकालना होता है? डिस्टेंस. और वेलोसिटी निकालना होता है, क्या निकालना होता है? डिस्प्लेसमेंट. तो पहले डिस्टेंस और स्पीड निकाल लो. टाइम उन्होंने दिया ही हुआ है, कितना टाइम लगा इसको? 1 मिनट. तो लेट्स सॉल्व. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट, कितना डिस्टेंस की हुआ गई? यहाँ से चली इधर गई और इधर से आई, कितना? 180. तो टोटल डिस्टेंस 180 मीटर. डिस्प्लेसमेंट यदि मैं बोलूँ कितना हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन जहाँ से चली वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, मैं अभी देखूँ इंस्टेंट पे, जहाँ थी वहीं आ गई वापस, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. ये मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है जहाँ से स्टार्ट किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0. डिस्टेंस है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकते हो, लेट निकाल लो भाई. एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज वी नो. तो वी राइट 180/60, क्योंकि यूनिट हमेशा क्या करनी है हमको, स्टैंडर्ड यूनिट्स में करना चाहिए. यदि ये मीटर पर मिनट में भी हो सकता था, पर फाइनल आंसर आपको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में देना चाहिए इफ नॉट आस्क्ड. तो यहाँ मिनट है तो उसको हमने कर लिया 60 सेकेंड. डिवाइड करो 6 3 18, 0 0 करके 3 मीटर पर सेकेंड. सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0. तो 0/60, तो 0/60 क्या होगा? आंसर 0. तो 0 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स वेलोसिटी तो 0 थी उसकी, बट जबकि उसकी स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड.